देश और दुनिया में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। अब तक इसकी वैक्सीन की टेस्टिंग ही हो रही है, मगर अभी तक कोरोना की सही दवाई नहीं बन सकी। लेकिन बाबा रामदेव की आयुर्वेदिक कंपनी ने दावा किया है कि उनकी कंपनी पतंजलि ने आयुर्वेदिक माध्यमों से कोरोना वायरस की दवाई तैयार कर ली है। इस दवाई को कोरोनिल नाम दिया गया है। पतंजलि का दावा है कि ये दवाई कोरोना वायरस पर असरदार है। जब से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, तब से तेल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। करीब 17 दिन से लोगों को महंगाई का झटका लगातार लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी के बीच घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 17 दिनों में पेट्रोल जहां 8.50 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, वहीं डीजल की कीमत भी 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई। पेट्रोल में तो जबरदस्त उछाल है ही, लेकिन परेशान डीजल की बढ़ती कीमत कर रही है। शाहजहांपुर में एक शख्स को छेड़खानी करना भारी पड़ गया। छेड़छाड़ करने वाले युवक की युवती ने चप्पल से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल ये युवक राह चलते युवती से छेड़छाड़ करने लगा था, जिससे नाराज युवती ने दुकान के अंदर जाकर युवक की पिटाई कर डाली। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां मुड़ाना इलाके में जब बच्ची की मां खेत पर चारा लेने गई थी, तभी दबंगों ने घर में घुसकर दुष्कर्म को अंजाम दे डाला और उसका वीडियो तक बना दिया, जिसे वायरल करने की धमकी को लेकर दुष्कर्म लगातार करने का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई। आरोप है कि पुलिस ने पीड़िता को ही थाने से भगा दिया, जिसके बाद दबंग और ज्यादा परेशान करते रहे। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। गोंडा के हल्दरमऊ विकासखंड के गांव मलोना में तालाब के मरम्मत और साफ सफाई के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया। यहां एक ही तालाब को 3 अलग अलग नाम दिखाकर बिना काम कराए पैसा निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक एक बार 6,67,200 रुपए, दूसरी बार 3,70,000 रुपए, जबकि तीसरी बार 6,09,525 रुपए निकाल लिए गए। इस मामले में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर घपले का आरोप लगा है, जिसके बाद गाँव वालों ने कई बार जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की। पीलीभीत में एक स्थानीय भाजपा नेता पर जमीन कब्जाने की कोशिश का आरोप लगा है। पूरनपुर ब्लॉक प्रमुख के प्रति अतेंद्र सिंह अपने लाभ लश्कर के साथ नधा गांव के एक किसान की जमीन कब्जाने की नियत से मौके पर पहुंचे, लेकिन पीड़ित किसान के परिजनों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राइफल और लाठी डंडे लिए करीब 6 लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्वारंटीन केयर सेंटर के सामने एक पुरानी इस्तेमाल की हुई पीपीई किट पड़ी मिली। आनन फानन में इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया, साथ ही पीपीई किट को पैक कर जांच के लिए भेज दिया। बड़कोट में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में परीक्षा शुरू करने से पहले परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया गया। यमुना घाटी के 3 ब्लॉक में कुल 18 परीक्षा केंद्र है, जिस पर सबसे बड़ा बड़कोट जीआईसी परीक्षा केंद्र है। परीक्षा शुरू होने से करीब 1 घंटे पहले ही बच्चों को केंद्र में बुलाया गया, ताकि बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य परीक्षण समय से किया जा सके। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलवामा के बांजू इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने यह सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ का 1 जवान भी शहीद हो गया। वहीं मुठभेड़ में ढेर हुए आतंकियों के पास से 2 AK-47 बरामद हुई है। सुरक्षा बलों को जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।